बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हैप्पी। दिस इज मसूद हियर एंड यू आर वाचिंग माय इंग्लिश चैनल लर्न इंग्लिश विद मसूद। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एप्लीकेशन राइटिंग पैटर्न। इट्स अ चॉइस बिटवीन लेटर एंड एप्लीकेशन इन योर फर्स्ट ईयर एग्जाम। आइदर यू कैन राइट अ लेटर और एन एप्लीकेशन। Let's see. Write an application to the principal for fee concession. It also carries 10 marks. First of all, write the address. The principal, government college, comma, city ABC full stop, city C capital within bracket. Then leave one line and write subject of the application. जिसकी भी एप्लीकेशन होती है उसको सब्जेक्ट में हम टाइटल बनाकर उसको लिखते हैं, एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। देन सैल्यूटेशन, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े एहतरामन, आई बेग टू स्टेट दैट आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, कि मैं एक गरीब खानदान से तल्लक रखता हूँ या रखती हूँ। माई फादर इज अ शॉपकीपर, वो एक दुकान पे काम करते हैं। He has to support a big family. वो एक बहुत बड़े कुंबे की कफालत करते हैं, उन्हें करना पड़ती है। We are four brothers and three sisters. हम two of my younger brothers, दो छोटे भाई and one sister are studying at school. वो स्कूल जाते हैं। They need books and uniforms. My father draws a meager salary. Meager mean little. बहुत थोड़ी उनकी सैलरी है। He finds it difficult to meet our educational expenses. उन्हें हमारे तालीमी अखराजात जो हैं उसको उठाने में थोड़ी सी मुश्किलात है। I am one of the brilliant student of first year in your worthy college. मैं एक ज़हीन तालिबिलम हूँ। आपकी फर्स्ट ईयर कॉलेज में जितने भी ज़हीन तालिबिलम हैं उनमें से एक हूँ। I have scored good marks in all subjects in college internal examination. जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे मिड टर्म हो गया, मंथली हो गया, उसको मैं अच्छे नंबरों से मैं पास होता हूँ और बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं। अभी हाल ही में जो इंटरनल एग्जाम हुआ है, I have got 80% marks and stood third in the class. और क्लास में मैं तीसरी पोजीशन पे हूँ। I have a keen desire to get education. बहुत गहरी दिलचस्पी है मेरी तालीम हासिल करने, बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। Keen. And all the teachers are also satisfied with my performance. और जितने भी इसातज़ा हैं वो मेरी performance से, मेरी कारगर्दी से मुतमिन हैं, खुश हैं। I request you kindly to grant me a full fee concession. मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे मुकम्मल तौर पर फी में रियायत दी जाए, so that I may continue my studies in your prestigious college. ताकि मैं आपके इस आला शान और बावकार कॉलेज में अपनी तालीम को जारी रख सकूं। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस बिनाइन एक्शन। बिनाइन मीन काइंड, आपके इस मेहरबान काम के ऊपर, मेरी दरख्वास्त कबूल करने पर मैं आपका बड़ा मशकूर होऊंगा, बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, मैं आपका एडवांस में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यूर्स ओबीडियंटली, अपने राइट साइड पर बिल्कुल कॉमे के साथ, फिर उसके नीचे आपने एक्स वाई जी बिल्कुल फुल स्टॉप लगाना है और बिल्कुल एक्स वाई जी के राइट साइड के बिल्कुल अपोजिट पर आपने डेट लिखनी है, डेट 23 मई 2020। एप्लीकेशन लिखते वक्त आपने सैल्यूटेशन का ख्याल रखना है, आपने जिसको एड्रेस किया है, फिर उसके सब्जेक्ट का, फिर मेन बॉडी का, फिर उसके बाद आपने जो क्लोजिंग करनी है उसमें भी आपने सही और करेक्ट वर्ड लगाने हैं। योर्स लिखते वक्त आपने कॉमा भी नहीं लगाना, वाई ओ यू आर एस विदाउट एन अपोस्ट्रोफी। वर्ड्स इस एप्लीकेशन में ये यूज़ किए हैं, रिस्पेक्टफुली, एहतराम से, रेवरेंटली, हम्बली, मॉडेस्टली, बिलोंग टू, तलक रखना, फिट, गो, हैव इट्स प्लेस, मीगर, मामूली, स्कैंटी, इनसफिशेंट, ब्रिलियंट, शानदार, ब्राइट, डैसलिंग, कीन, गहरी दिलचस्पी, इंटेंस, स्ट्रॉन्ग, डीप, एक्यूट, प्रेस्टीजियस, मोतबर, एडमायर्ड, प्रोमिनेंट,
benign, meherban, benevolent, caring, gentle, concession, riyat, reduction, discount, allowance, satisfied, mutmain, content, pleased, happy, and worthy, qabil, in earnest, commendable, praiseworthy. I hope you have got the idea that how you can write an application. If you still have any question, put your question in the comment box. I'll upload another application for you. Thank you. And if you still have any question, put your question in the comment box.